यार, ये हम लोगों की सेल्स और प्लांट्स की सेल्स में क्या अंतर होता है? दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मयंक और आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल बायो वाला पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको प्लांट और एनिमल सेल्स में जो डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर होते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। इधर मैंने प्लांट सेल को लिखा है, इधर मैंने एनिमल सेल को लिखा है। इधर मैं पांच पॉइंट बताऊंगा प्लांट सेल के और इधर पांच पॉइंट एनिमल सेल के। क्या अंतर होता है ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है प्लांट सेल में, सेल वॉल प्रेजेंट। और एनिमल सेल्स की बात करें अगर, तो सेल वॉल एब्सेंट। दोस्तों, सेल वॉल जो होती है वो हमारी सेल्स की, हमारी कोशिकाओं की सबसे बाहरी लेयर होती है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं सेल मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेल वॉल की बात कर रहा हूँ। कोशिका भित्ति की बात कर रहा हूँ, कोशिका झिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ। कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में पाई जाएगी, जबकि जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। दोस्तों, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स प्रेजेंट। और एनिमल सेल की बात करें, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स एब्सेंट। तो दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट पता होगा आप लोगों को, हिंदी में हरित लवक कहते हैं, और प्लास्टिड्स जो मैंने यहाँ पर लिखा है इनको लवक कहते हैं। तीन प्रकार के लवक होते हैं। तो दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी पत्तियों का रंग हरा होता है और वो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि एनिमल्स में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, सेंट्रोसोम अब्सेंट। और इधर एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट। तो जो प्लांट सेल होती हैं उनमें सेंट्रोसोम अब्सेंट होता है, और जो एनिमल सेल्स होती हैं उनमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है। दोस्तों, अब हम चौथे पॉइंट की बात कर लें, ट्रू वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। प्लांट सेल में ट्रू वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, जबकि एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स अब्सेंट और स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स प्रेजेंट। दोस्तों, जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें ट्रू वैक्यूल्स पाई जाती हैं। वैक्यूल्स को हिंदी में रिक्तिकाएं कहते हैं। ट्रू वैक्यूल्स प्लांट सेल में पाई जाती हैं, जबकि एनिमल सेल में अब्सेंट होती हैं वैक्यूल्स। अगर पाई भी जाएंगी तो वो टेम्परेरी होंगी और बहुत छोटी छोटी होंगी। दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करें, पांचवे पॉइंट की, रिजर्व फूड इज मेनली स्टार्च। और इधर एनिमल सेल में रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन। दोस्तों, जो प्लांट्स होते हैं, जैसे उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया, उनका फूड मान लीजिए पूरा मेटाबॉलिज्म में यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो वो उसको स्टोर करेंगे, रिजर्व फूड की तरीके से रखेंगे। तो जो प्लांट्स होते हैं वो रिजर्व फूड स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, और जबकि जो एनिमल्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों में, जैसे मान लीजिए ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो एक इंसुलिन हार्मोन होता है, मैंने आपको डाइजेशन वाले चैप्टर में बताया भी था, इंसुलिन हार्मोन होता है, वो ज़रूरत से ज़्यादा जो ब्लड में ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में और स्टोर करता है लीवर में और हमारे मसल्स में। तो दोस्तों, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, तो हमारा रिजर्व फूड मटेरियल क्या हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। ये देखिए, रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन एनिमल सेल में। और प्लांट्स भी इसी तरीके से फूड को रिजर्व फॉर्म में स्टोर करते हैं और वो स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको प्लांट्स और एनिमल सेल में जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बताया। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा, और अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त
या आपके किसी भाई की मदद कर सकता है तो उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।